प्रदेश सरकार ने कोरोना के कम होते केसेस को देखते हुए एक बार फिर नई गाइडलाइंस में लोगों को राहत दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कोरोना की कम होती रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की गति अब काफी कम है। देखिए भोपाल से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ताहिर खान की ये रिपोर्ट। क्योंकि अभी जो कोरोना की गति है और मामले हैं वो बहुत कम है, हमारी पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है, रिकवरी रेट बहुत बढ़ गया है, बहुत मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं है, एक भी कोरोना का पॉजिटिव नहीं है। तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी शुरू करनी है, हमें अर्थव्यवस्था को भी देखना है, हमें वो लोग जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं उनके घरों पर भी ध्यान देना है, और इसीलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाने की हमें प्रयास करना ही होगा। और जिस प्रकार से आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोरोना समाप्त नहीं होगा, तो मुद्दा यही है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी जिए और उसके साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें, हम मास्क लगाएं, हम अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये सब हम करेंगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी चलेगी और कोरोना से बचाव भी होगा। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।